फिर से आमने सामने हुए गंगूमा तात्या और देवी अहिल्या। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजु शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। गंगूमा तात्या की जब हमने वर दक्षिणा को लेके बातचीत सुनी, उनके विचार जाने, तो मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने सही बोला कि पहले इसलिए नियम था क्योंकि वर के साथ साथ वधू यानी कि लड़की का भी अपने पिता की प्रॉपर्टी पे अधिकार होता था, इसलिए पिता उसको दहेज में एक रूप से, एक भेंट के रूप से दे देते थे। समझ में आती है बात, मगर यही बात गंगूमा तात्या देवी अहिल्या के सामने और ही तरीके से करते हैं। ऐसा क्यों, इसकी चर्चा तो करना बनता है दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं रखमा का हाथ तो था, मगर गंगूमा तात्या का अपना ही विचार अपने ही तरीके से उन्होंने और ही तरीके से उन्होंने पेश किया, यानी कि उनका खुद का अच्छा विचार जो सबके लिए सही था, उसी विचार को उन्होंने कुछ ऐसे पेश किया कि जैसे अधिकार है वर का, जो पेरेंट्स उनका अधिकार है, तो वो सब क्या था, तो चलिए चर्चा करते हैं इसके ऊपर। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो गंगूमा तात्या शुरू से ही पुरुष प्रधान समाज के नेता रहे हैं। हमने हर एक उसमें देखा है, जब भी कोई ऐसी बात आती है, जब भी कोई ऐसा नियम आता है, तो गंगूमा तात्या सबसे पहले खड़े होते हैं। जैसे पीछे भी हमने देखा कैसे गंगूमा तात्या ने देवी अहिल्या की मुखालफत की, मगर बाद में वो नियम लागू हुआ, पर गंगूमा तात्या कन्विंस नहीं थे अंदर से, वो बिल्कुल भी शस्त्रशाला के लिए कन्विंस नहीं थे। उनको लगता था कि शस्त्र चलाना सिर्फ पुरुषों का ही काम है, प्रूव कर दिया, शर्तें मानी, सब कर दिया, गंगूमा तात्या अंदर से कन्विंस नहीं हुए। यहां पे भी कुछ ऐसा ही है, जिस ग्रंथों की बात गंगूमा तात्या कर रहे हैं कि ऐसा लिखा है कि वर दक्षिणा बनती है और क्यों बनती है, ये भी बात वो बोल रहे हैं और यही बात देवी अहिल्या भी बोल रही है, मगर यहाँ गंगूमा तात्या क्या ट्विस्ट लाते हैं कि ये तो वर पक्ष का अधिकार है, वो कितनी जो है राशि जो है तय करे, ये उनका अधिकार है। मगर पहले गंगूमा तात्या क्या कह रहे थे कि जो पिता की जायदाद होती है, जिसमें लड़की का भी अधिकार होता है, वो जायदाद का हिस्सा वो ऐसे भेंट में वरदान में दे देते थे। तो ये दोनों ही उनके स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्टरी है। क्या इतना जादू चल गया रखमा का कि अपने ही विचारों के खिलाफ हो गए, या फिर देवी अहिल्या अगर उनके विचारों को सही तरीके से पेश कर रही है तो क्या उसके खिलाफ हो गए? तो ये गंगूमा तात्या का डबल स्टैंडर्ड देवी अहिल्या के प्रति, ये समझ से बाहर है। देवी अहिल्या ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, मल्हार सरकार भी इससे कन्विंस हुए और देवी अहिल्या ने गंगूमा तात्या की बात भी नहीं मानी, टाली, और देवी अहिल्या ने गंगूमा तात्या की बात भी नहीं टाली। उन्होंने उस बात को समझा कि सच में जबरदस्ती का रिश्ता भी किसी फायदे का नहीं है, किसी को खुशी नहीं देगा, मगर गंगूमा तात्या का दिमाग पहले से ही इस बात के लिए भरा हुआ है कि देवी अहिल्या की बात नहीं माननी है, ये तो नियमों के खिलाफ जाती है। तो दहेज प्रथा एक सामाजिक बुराई है, तो ये एक घर की समस्या कैसे हो सकती है, ये बात तो गंगूमा तात्या के समझ में आई ही नहीं। तो दोस्तों ये फिर से आमने सामने खड़े हुए हैं, मगर यहाँ पे देवी अहिल्या ने सबकी बात मानते हुए, ग्रंथों का मान रखते हुए, धर्म का मान रखते हुए कोई और ही तरीका निकाला है ताकि बात सबकी समझ में आए। ये सिर्फ एक पंडित जी के घर की बात नहीं है, यह हर किसी के घर की बात है, हर उस गरीब के घर की बात है जो अपनी बेटी के लिए पैसे राशि इकट्ठी नहीं कर पाता और उसके घर से बारात वापस चली जाती है, यह हर उस गरीब के घर की बात है। तो ऐसी प्रथा को एक पूर्ण विराम देना, एक सेट पैटर्न में रखना कि जितना हो सकता है उतना आप वर पक्ष को दे सकते हो, ये पिता की अपनी इच्छा होना, इसी चीज को देवी अहिल्या करेगी सबके सामने साबित, मगर अपने तरीके से, समझाने वाले तरीके से, जबरदस्ती वाले तरीके से नहीं, जैसे खंडे राव कर रहे थे। तो देवी अहिल्या अपने तरीके से चीजों को करेगी और ये सब देखते ही रह जाएंगे फिर से, क्योंकि जो देवी अहिल्या का तरीका है वो कंपैशन से भरा हुआ है, वो भलाई से भरा हुआ है, इसीलिए ये लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं, कोशिशें बहुत करते हैं, बहुत छलांगे लगाते हैं, मगर गिरते हैं मुंह के बल, फिर से गिरेंगे।
क्या कहना है आपका इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.